ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते प्रिय दोस्तों, उपनिषदों की कहानियों की श्रृंखला में मैं आज एक और वीडियो आपको दे रहा हूँ। ये है अंगिरा शौनक संवाद। सारे विश्व की रचना करने वाले, समस्त भुवनों को पालन करने वाले ब्रह्मा सब देवताओं से पहले स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का रहस्य समझाया। अथर्वा ने ब्रह्मा से प्राप्त ब्रह्म विद्या का रहस्य अंगिरा मुनि को समझाया। अंगिरा मुनि ने भारद्वाज गोत्रीय सत्वह नामक ऋषि को समझाया। सत्वह ने ब्रह्म विद्या के स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों का रहस्य अपने एक शिष्य को बताया था। उस शिष्य का नाम भी अंगिरा ही था। शौनक नामक एक बहुत बड़े गृहस्थ वाले ऋषि ने उस अंगिरा नामक मुनि से प्रश्न किया, हे भगवान, किस एक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है? अंगिरा मुनि ने कहा, जो विद्वान लोग ब्रह्म ज्ञान से परिचित हैं, उनका कहना है कि दो विद्याएं जानने योग्य हैं। एक तो परम तत्व से संबंधित पराविद्या और दूसरी इहलोक और परलोक से संबंधित धर्म और अधर्म तथा पाप और पुण्य का फलाफल बताने वाली अपराविद्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अध्ययन और उच्चारण आदि की रीति बताने वाली पाणिनि आदि मुनियों द्वारा रचित शिक्षा, उन वेदों में वर्णित कर्मों का अनुष्ठान करने की रीति बताने वाले सूत्र रूप कल्प, शब्द की शुद्धि से परिचित कराने वाला व्याकरण, वेदों के गूढ़ और कूट पदों के अर्थ का ज्ञान कराने वाला निरुक्त, वेदों में संकलित गायत्री, त्रिष्टुप आदि विविध छंदों का बोधक करने वाला पिंगल, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का काल, ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि आदि से परिचित कराने वाले ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग हैं और ये सब अपराविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। अर्थात कर्म कांड तथा उपासना आदि से संबंधित समस्त विद्याएं अपराविद्या के अंतर्गत आती हैं। और जिस विद्या से अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है वह परम विद्या है। जो अदृश्य है, जो इंद्रियों द्वारा पकड़ में नहीं आता, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, जो सब प्रकार के वर्णों से रहित है, जिसके आँख और कान, हाथ और पैर नहीं, जो नित्य है, समस्त विश्व जिसके वश में है, जो सर्वव्यापी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और आकाश आदि 5 महाभूतों का कारण है, जिसका दर्शन केवल परम धैर्यशाली विवेकी पुरुष ही कर सकते हैं, वही कभी नाश को प्राप्त नहीं होने वाला ब्रह्म है। उसका ज्ञान जो विद्या कराती है वही प्राविद्या है। जिस प्रकार मकड़ी जाला बनने के समय अपने भीतर से तंतुओं को बाहर निकालकर फिर उन तंतुओं को अपने भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा अपने भीतर से समस्त जगत को प्रकट करके अपनी ही में लीन कर लेता है। जिस प्रकार एक पृथ्वी से बीजों के भेद के कारण नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार एक ही आत्मा से विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जीवित पुरुष के शरीर में बाल उपजते हैं, उसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ जगत उत्पन्न होता है। बीज रूप ब्रह्म तत्व का विकास और फैलाव स्वयं उसी के ज्ञान द्वारा हुआ।
उसको यह ज्ञान हुआ कि एक मैं बहुत रूपों में प्रकट हूं और उसकी उस चेतना द्वारा विश्व की उत्पत्ति आरंभ हुई। सबसे पहले अन्न पैदा हुआ, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से पंच महाभूत, महाभूतों से समस्त लोक और लोकों से कर्म, और कर्मों से उनके फल उत्पन्न हुए। जो सर्वज्ञ है अर्थात जिससे किसी भी विषय का कोई भी ज्ञान छिपा नहीं है, जिसका तप ही ज्ञान में है, उसी पर ब्रह्म से सभी प्रकार के नामों और रूपों के भेद उत्पन्न हुए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सत्य है कि वेदों के मंत्रों में कर्म कांड के जो रूप बताए गए हैं, जो रीतियां समझाई गई हैं, वह नाना प्रकार से इस विश्व में फैले हुए हैं। तुम्हें चाहिए कि फल की इच्छा किए बिना सत्य मार्ग में दृढ़ रहकर उन सब कर्मों का आचरण करो, क्योंकि अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप तुम जिस संसार में उत्पन्न हुए हो, उसमें तुम्हें ये सब बाहरी कर्म करने ही पड़ेंगे। यज्ञ की अग्नि जब पूर्ण रूप से जल उठती है और उसकी लपटें ऊपर को उठने लगती हैं, तो उसमें श्रद्धा पूर्वक आहुतियों को डालना चाहिए। यही कर्म मार्ग है जिसका अग्निहोत्र नामक यज्ञ अमावस्या तथा पौर्णमासी में किए जाने योग्य कर्मों से युक्त नहीं होता, चातुर्मास्य में किए जाने योग्य कर्मों से रहित होता है, शरत काल में नए जन्म से होने वाले अग्रहण कर्म की विधि से युक्त नहीं होता, और जिसमें अतिथियों का पूजन भी योग्य रीति से नहीं होता, जो वैष्णव देव की अर्चना से रहित होता है, वह निष्फल हो जाता है। काली कराली मन के समान वेग वाली, मनोजवा लाल होने के कारण, श्लोहिता धुमैली होने के कारण, सुधूम्र वर्णा चिंगारियों से युक्त होने के कारण, सफुलंगिनी सब प्रकार की सुंदरताओं से भरी होने के कारण, विश्व रूपी उज्ज्वल प्रकाश से पूर्ण होने के कारण, देवी सात अग्नि की लपटें उसकी जीभें हैं। ये लपटें उस व्यक्ति की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करती हैं जो उचित समय पर उपयुक्त रीति से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है। उन आहुतियों को ग्रहण करने पर वे अग्नि शिखाएं सूर्य की किरणों में बदल जाती हैं और उस व्यक्ति को उस दिव्य लोक में पहुंचाती हैं जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र सबसे ऊपर रहता है। वे प्रज्वलित आहुतियां उसे कर्ता से मानो कहती हैं, आओ आओ, तुम्हारे कर्म कांड से और पवित्र अनुष्ठानों से तुम्हें दिव्य लोक प्राप्त होने वाला है। ऐसा कहकर सूर्य की किरणों के द्वारा उसे ऊपर ले जाती हैं। यज्ञ के इस सारे अनुष्ठान के सहचर यजमान को पार लगाने वाली डोंगियों की तरह हैं, पर ये डोंगियां न सुदृढ़ हैं न स्थायी। इसलिए ज्ञानियों ने यज्ञों द्वारा आश्रित होने वाले कर्मों को अत्यंत हीन श्रेणी को बताया है। जिस प्रकार छोटी छोटी डोंगियां विशाल समुद्र के पार ले जाने योग्य नहीं होती और केवल मछलियां पकड़ने के काम में लाई जा सकती हैं, और जिस प्रकार उनमें बैठे हुए व्यक्तियों को लौटकर इसी पार आना पड़ता है, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी छोटी नावें केवल स्वर्ग तक पहुंचाने में समर्थ होती हैं। स्वर्ग के भोग पूरे होने और कर्म फल अक्षीण होने पर व्यक्ति को फिर मृत्यलोक में ही लौटना पड़ता है। जन्म मरण के भंवरों से ग्रस्त संसार रूपी सागर को केवल ज्ञान रूपी विशाल जलयान जहाज ही पार करा सकता है। इसलिए जो मूर्ख यज्ञ आदि कर्मों को ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी मानकर इसकी प्रशंसा करते हुए कुछ समय तक स्वर्ग का ऐश्वर्य भोग करने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं और रोग शोक तथा दुख दारिद्र्य के शिकार बनते हैं। जो मूढ़ लोग अविद्या से ग्रस्त होकर अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं और ज्ञानियों के तत्वोपदेश से विमुख रहते हैं, वे रोग शोक और जरा मृत्यु से पीड़ित होकर उसी प्रकार भ्रम जाल रूपी गड्ढों में गिरते रहते हैं, जिस प्रकार एक अंधा दूसरा अंधे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के कारण गिरता रहता है। अज्ञान के अंधकार से घिरे रहने के कारण वे बालकों के समान अबोध और मूढ़मति व्यक्ति यज्ञ आदि अनुष्ठानों को करते हुए अपने को कृतार्थ समझकर यह अभिमान करते फिरते हैं कि हमने वास्तविक सिद्धि प्राप्त कर ली है।
ऐसे कर्मकांडी पुरुष कर्म फल के प्रति आसक्ति या लालसा रखते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के बाद जब उनका कर्म फल अक्षुण हो जाता है तब दुख से व्याकुल होकर नीचे गिरते हैं। वे फिर जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं और सच्चे ज्ञान के स्वरूप से कभी परिचित नहीं हो पाते। वे अज्ञानी पुरुष याग यज्ञ आदि इष्ट कर्मों को और कुएं तालाब खुदवाने के पूर्व कर्मों को ही परम श्रेष्ठ और मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं और आत्मज्ञान रूपी सच्चे श्रेय मार्ग को नहीं मानते। पर जो सच्चे ज्ञानी शांत स्वभाव होकर भिक्षावृत्ति धारण करके भी वन में तप की साधना करते हैं और श्रद्धा के साथ ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे वासना रहित तो होकर ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा उस लोक में पहुंचते हैं जहाँ अमर और अविनाशी पुरुष का अक्षय वास है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष कर्मों के सच्चे स्वरूप से परिचित होकर विषयों को त्यागने पर ही अपने लक्ष्य को पहुंच सकता है। जिस प्रकार कर्म द्वारा अन्न आदि उत्पन्न किया जाता है और भोग द्वारा वही अन्न नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा रचे गए सभी प्रकार के सुख के साधन भोग करने से नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह इस सत्य को समझकर वैराग्य को अपनावे। कर्म द्वारा उत्पन्न सभी पदार्थों की नश्वरता से परिचित होकर किसी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष की सेवा में जाएगी। उस ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शांत चित्त से अपने शिष्य को अविनाशी पुरुष के यथार्थ रूप को बतावे। अंगिरा ऋषि ने शौनक से कहा, हे सौम्य, जिस प्रकार जलती हुई आग से सहस्रों चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अविनाशी परम पुरुष से अनेकों प्रकार के जड़ तथा चेतन में पदार्थ उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाते हैं। वह अलौकिक दिव्य पुरुष सब आकारों से रहित हो, वह सबके भीतर भी वर्तमान है और बाहर भी। वह अजन्मा है, अर्थात उसका जन्म नहीं होता। वह प्राण आदि पांच वायु से भी रहित है, उसमें नाना प्रकार की कामनाएं करने वाले मन नहीं है। वह शुद्ध श्रेष्ठ और विनाश रहित है, वह हिरण्य गर्भ से भी श्रेष्ठ है। प्राण मन इंद्रिया आदि इसी परम पुरुष से उत्पन्न हुई है, संदेह नहीं है, तथापि इसमें उनका कोई लगाव नहीं है। उसी प्रकार आकाश वायु अग्नि जल और सब कुछ धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी से उत्पन्न है, पर वह इन सब के भी संसर्ग से रहित है। हे प्रिय दर्शन शौनक, इस दिव्य पुरुष का सिर अग्नि है, सूर्य और चंद्रमा उसकी दोनों आंखें हैं, दसों दिशाएं उसके कान हैं, चारों वेद ही उसकी वाणी के स्वरूप हैं, वायु ही उसका प्राण है, समस्त विश्व उसका हृदय है, पृथ्वी इसके चरणों से उत्पन्न हुई और वह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। उस पुरुष से ही अग्नि उत्पन्न हुई, उस महाअग्नि की समीदा सूर्य है, अर्थात जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार सूर्य उस विराट अग्नि को प्रकाशित करता है। उस अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न होता है और उससे बादलों की उत्पत्ति होती है, बादलों से वर्षा होती है, वर्षा से पृथ्वी पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उपजती हैं और उन वनस्पतियों के विकास द्वारा पुरुष नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करता है। उसी अविनाशी पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सब प्रकार के यज्ञ, यजमान, दक्षिणा, संवत्सर और कर्म लोक उत्पन्न हुए, जिन्हें सूर्य और चंद्रमा पवित्र करते हैं। उस पुरुष के कर्म से बहुत प्रकार के देवता उत्पन्न हुए और उसके बाद मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान आदि, वायु, धान और जो तप और श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा कर्म के विधान उत्पन्न हुए। उसी से दो कान, दो आंखें, नाक के दो छेद, जीव आदि इंद्रिया, इन इंद्रियों को प्रज्वलित करने वाली ज्वालाएं, विषय रूपी संविधाएं, उन विषयों की भावनाओं को नष्ट करने वाले सात प्रकार के ज्ञान रूपी होम और सात प्रकार के लोक उत्पन्न हुए। उन लोकों में हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाले प्राण विचरते रहते हैं। उसी पुरुष से ही समुद्र और सभी पर्वत उत्पन्न हुए और अनेकों रूप धारण करने वाली सिंधु, गंगा, जमुना आदि नदियां भी उत्पन्न हुई। उसी से सब प्रकार की औषधियां और रस उत्पन्न हुए और उन रसों के द्वारा सूक्ष्म शरीर स्थूल पंच महाभूतों सहित स्थित है। हे सौम्य, कर्म, तप, हिरण्य गर्भ, अमृत आदि सब कुछ उसी मूल पुरुष से ही उत्पन्न हुए।
समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित उस परम ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उस पर से भिन्न विश्व में कोई भी पदार्थ नहीं है, वह अविद्या के माया जाल को नष्ट करने में समर्थ होता है। अंगिरा ऋषि बोले, हे शौनक, यह अविनाशी ब्रह्म स्वयं अपनी ज्योति से प्रकाशमान है। यह सब प्राणियों का अंतर्यामी है। यह हृदय रूपी गुहा में विचरण करता है, इसलिए इसका नाम गुहाचर है। यह समस्त जीवों का आश्रय स्वरूप है। उड़ने वाले जीव प्राण वायु को ग्रहण करने वाले तथा पलक मारने की क्रिया करने वाले सब प्राणी ये सब इसी के आश्रय से स्थित है। यह सत्य है और असत्य भी। यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों का मूल कारण है। यह परम पूजनीय और प्राणियों के ज्ञान से परे है, अर्थात मनुष्य का कोई भी ज्ञान उसके यथार्थ स्वरूप के हृदयंगम करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह जो कुछ भी प्रकाशमान है, जो अणु का भी अणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसमें समस्त लोकों के निवासी स्थित हैं, वही अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमृत है, वह जानने योग्य है। हे सुमे, तुम इसे जानने का प्रयत्न करो। उपनिषद में वर्णित ज्ञान के महाश्रय रूप धनुष को ग्रहण करके उपासना द्वारा स्थान पर चढ़ाए गए वाण को उस पर चढ़ाना चाहिए। ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर एकाग्र चित्त से उस परम लक्ष्य को वेदना उचित है। पर्णव ओकार ही धनुष है, आत्मा ही वाण है, ब्रह्म लक्ष्य है। एकाग्र मन से उस लक्ष्य को वेधते हुए बाण के समान जिसमें उसमें तन्मय और तद्गत होना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार तीर निशाने के भीतर जाकर घुस जाता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह ब्रह्म में लीन होने का प्रयत्न करे। जिस परम आत्मा में स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष समस्त प्राण और मन ये सब जुड़े हुए हैं, केवल उसी को जानने की चेष्टा करो। अन्य सब विषयों के ज्ञान को छोड़ दो, केवल मात्र वह अमर आत्मा ही मोक्ष के लिए सेतु स्वरूप है। जिस हृदय में सब नाड़ियां रथ की नाभि में तिरछी काठों की तरह एकीभूत होती हैं, वही यह आत्मा नाना रूपों से विराजमान रहता है। ओंकार के रूप में उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तभी तुम अविद्या रूप अंधकार से पार निकलकर कल्याण प्राप्त कर सकोगे। जो सब कुछ जानने वाला है, जिसके भीतर और बाहर कुछ भी छिपा नहीं है, जिसकी महिमा सर्वत्र समस्त लोकों में फैली हुई है, वह आत्मा दिव्य ज्योतिर्मय हृदय रूपी ब्रह्म नगर में विद्यमान है और समस्त आकाश में व्याप्त है। वह मनोमय है और प्राण तथा शरीर का समुचित संबंध स्थापित करने वाला नियामक है। अन्न और बुद्धि स्थूल तथा सूक्ष्म में उचित सामंजस्य स्थापित करने वाला भी यही है। समस्त विश्व में जो कुछ भी प्रकट और प्रकाशित तो हो रहा है, सब उसी के आनंद का अमृतमय स्वरूप है। धीर लोग ज्ञान द्वारा उसके उस अनंत व्यापी रूप का दर्शन करते हैं। कारण रूप और कार्य रूप ब्रह्म के दर्शन हो जाने पर हृदय की सब गांठें खुल जाती हैं और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के फल भी अक्षीण होकर मोक्ष प्राप्त होता है। परम श्रेष्ठ ज्योतिर्मय कोश में अविद्या आदि के मल से रहित 16 कलाओं के आकार प्रकार से मुक्त निष्कलंक अखंड ब्रह्म निखिल विश्व में व्याप्त है। वह शुद्ध है और सब प्रकार के प्रकाशों का प्रकाशक है। उसे केवल आत्मज्ञानी ही जान सकते हैं। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा। तारागण भी उसे ज्योति प्रदान करने में असमर्थ हैं। बिजलियां भी उसके आगे निस्तेज हैं। अग्नि की तो बात ही क्या, उसी के तेज से ये सब प्रकाशित होती है। वह अमृत स्वरूप ब्रह्म पूर्व में व्याप्त है, वही पश्चिम में, दक्षिण और उत्तर की दिशाओं में भी व्याप रहा है। वही नीचे फैला हुआ है और वही ऊपर अपने स्वरूप का विस्तार किए हुए है। वह परम श्रेष्ठ ब्रह्म इस समस्त विश्व के रूप में भाषित हो रहा है। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे शौनक, जीव और ईश्वर सदा साथ साथ मित्रता पूर्वक रहने वाले दो पक्षियों के समान शरीर रूपी एक ही आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। उनमें से एक जीव मुंह से उत्पन्न सुख दुखमयी भावना रूपी फल को स्वाद के साथ भक्षण करता है, अर्थात भोगता है, और दूसरा निर्लिप्त और निसंग भाव से रहकर फल को बिना भोगे ही अपने सुख का फला भोग देखता रहता है। भोग करने वाला जीव उस वृक्ष के प्रति आसक्त होकर काम क्रोध आदि की भावनाओं में निमग्न हो रहा है।
सांसारिक विषयों में लिप्त होकर धन रतन पुत्र पौत्र आदि को ही परम सत्य समझकर मोहवश उनके प्रति ममता के भाव को त्यागने में असमर्थ हो रहा है। और जब उनमें से किसी के विनाश या वियोग को दुख उस पर आट उठता है तो वह शोक मगन होकर विलाप करने लगता है। पर जब वही जीव अपने सखा की महिमा को उसकी संग्रहित शुद्ध बुद्धि की महिमा को देखता है तब वह शोक से रहित हो जाता है। जब ज्ञानी साधक ज्योतिर्मय कर्ता ब्रह्म का परम पुरुष ईश्वर का दर्शन करता है तो वह पाप और पुण्य से युक्त दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग कर शुद्ध और निर्मल हो जाता है और अद्वैत की भावना से ओतप्रोत होकर परम ममता को प्राप्त करता है। जो प्राणों का भी प्राण है और जो समस्त जीवों में विराज रहा है उसी महाप्राण ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति सम्यक विचार वाला होता है। वह समदृष्टि रखता है, वह आत्मा है, वह आत्मा में ही रमने वाला और साथ ही निर्लिप्त भाव से कर्म करने वाला फल की इच्छा से रहित होता है। वह ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ होता है। ज्योतिर्मय रूप शुद्ध आत्मा शरीर के भीतर अंतःकरण में वर्तमान रहता है। उसे केवल सब प्रकार के दोषों से रहित त्यागी पुरुष ही देख पाते हैं। यह सत्य से ब्रह्मचर्य से और यथार्थ ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जय केवल सत्य की ही होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य से ही मनुष्य के लिए देव मार्ग खुला हुआ रहता है। उस दिव्य मार्ग के द्वारा सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त पूर्ण काम ऋषि जिनके मन में किसी प्रकार की कामना शेष न रह गई हो वहां पहुंचते हैं जहां सत्य रूप ब्रह्म का परम धाम है। लोक में जाने की इच्छा करता है उसी लोक को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार के सुख भोग को चाहता है उसका निश्चय ही पूर्ति हो जाती है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मज्ञानी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करे। अंगिरा ऋषि बोले, हे प्रिय दर्शन शौनक, आत्मज्ञानी सब प्रकार की कामनाओं के आश्रय परम ब्रह्म धाम को जानता है। उस परम धाम में यह सारा विश्व स्थित है। यह अपने शुभ्र प्रकाश से सब समय भाषित होता रहता है। जो पुरुष उस ब्रह्म की उपासना सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर करते हैं वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष सुख भोग के विषयों की चिंता करता है उन्हें प्राप्त करने की इच्छा मन में रखता है वह कामनाओं के साथ विशेष विशेष लोकों में जन्म लेता है। पर जो व्यक्ति सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर पूर्ण काम हो जाता है उसके आगे आत्मा का प्रकाश भाषित हो जाता है। उसी उसकी अच्छे या बुरे कर्मों की सब प्रवृत्तियां इस शरीर में ही विलीन हो जाती हैं। यह आत्मा ने वेदों के पाठ से प्राप्त हो सकती है, ने मस्तिष्क की शक्ति द्वारा और ने शास्त्रों के अध्ययन अथवा श्रवण द्वारा। पर कामना रहित दिव्य ज्ञान संपन्न पुरुष के आगे आत्मा अपने आप अपना विशुद्ध प्रकाश में रूप व्यक्त करती है। केवल वही उसे प्राप्त करने में समर्थ है। जिस व्यक्ति में आत्मबल नहीं उसे यह प्राप्त नहीं हो सकती। मद से अथवा ज्ञान रहित तपस्या द्वारा भी इसे नहीं जाना जा सकता। परंतु जो ज्ञानी पुरुष आत्मबल अप्रमाद और ज्ञान युक्त तपस्या द्वारा मनन करने की चेष्टा करता है वह ब्रह्म धाम में प्रवेश करके आत्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है। उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन पाकर ऋषि लोग सब प्रकार की लालसाओं से रहित होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। वे अचंचल चित्त धीर पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म को सर्वत्र देखते हुए उस सब सर्व रूप में प्रवेश करते हैं। वेदांत द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान के निश्चित तत्व से परिचित और संन्यास योग द्वारा शुद्ध चित्त होकर परम अमरता को प्राप्त हुए सब तपस्वी गण शरीर को त्याग करने पर ब्रह्म लोक में जाकर मुक्त हो जाते हैं। उनके प्राण आदि की 15 कलाएं अपने अपने काल में जाकर लीन हो जाती हैं और उनकी सब इंद्रियां अपने अपने कारण रूप सूर्य आदि देवताओं में जाकर विलीन हो जाती हैं। पर उनकी कर्ममयी और विज्ञानमयी आत्मा परम आत्मा के अविनाशी तत्व के साथ मिलकर एक रूप हो जाती हैं। जिस प्रकार गतिशील नदियां नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार विवेकी पुरुष भी नाम और रूप के बंधन से मुक्त होकर दिव्यात्मा को प्राप्त करता है। जो उस ब्रह्म को भली भांति जान लेता है वह स्वयं भी ब्रह्म रूप हो जाता है। उसके कुल में कोई भी ब्रह्म को न जानने वाला व्यक्ति उत्पन्न नहीं होता। वह सब प्रकार रोग शोक और दुख दारिद्र्य से छुटकारा पाकर गुफा के समान
गहन अंतर मन की समस्त गांठों से मुक्त होकर अमर पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार अंगिरा ऋषि ने यह आत्म विज्ञान सौनव ऋषि को समझाया था, जिन्होंने सच्ची साधना के मार्ग को नहीं अपनाया वे इस विज्ञान को नहीं पढ़ पाते, अर्थात ये नहीं समझ पाते। बहुत ही गुड विज्ञान है और ये हम सबको बार बार ये जो है वीडियो देखना चाहिए, अपने सगे संबंधियों को भी ये वीडियो दिखाना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है। ये जो पढ़ाई करते हैं, MBBS कर लिया, MTech इंजीनियरिंग कर लिया, कॉमर्स कर लिया, MBA कर लिया, भाई ये सेकुलर नॉलेज है और ये सिर्फ शरीर से संबंधित है। आत्मा से संबंधित जो नॉलेज है वो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, और ये हर इंसान का फर्ज है कि ये जो है जाने और अपने बच्चों को भी जो है समझाएं, उन्हें ये सब चीज़ें बताएं, क्योंकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य, चार उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को हम भूल चुके हैं, काम और काम अर्थ और काम में लगे ही रहते, पूरा जीवन बिता देते हैं, और मोक्ष के बारे में कोई ज्ञान नहीं। मतलब चार में से पहला और चौथा, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है, नोबडी इज कंसर्न्ड, और काम और अर्थ इसमें ही लगे रहते हैं। तो भाई धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा और सुना, कृपा करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और भैया ये आपका ही चैनल है, क्योंकि सनातन धर्म की वृद्धि के लिए हमें एक दूसरे का कोऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर देना, आपका धन्यवाद होगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।